I'm slightly confused with the government stance, sir, because the first speaker of the government of the BJP, which also is the lead party which is leading the NDA government, I don't know how many members of NDA are left anymore, but jo bhi bacha hai abhi do teen jo bhi bache hai, to unhone unke jo BJP ke lead bole, unhone aisa kaha ki jo census 2011 mein hua tha wo hamari sarkar jab UPA ki sarkar thi तो वो डेटा दिया नहीं, लेकिन अब वो डेटा देंगे, वो एम्पेरिकल डेटा, ऐसे बीजेपी के लीड स्पीकर ने कहा. सो आई थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द बीजेपी फॉर शेयरिंग दिस डेटा विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस. सो आई वुड लाइक यू टू रीकन्फर्म इट, बिकॉज आपके खिलाफ हमारे राज्य का एक बड़ा केस चल रहा है, तो आपके भी पैसे बचेंगे, मेरे सरकार के भी बचेंगे. कोविड में काफ़ी खर्चा हो गया दोनों सरकारों का. तर अगर आपकी बीजेपी के स्पीकर शायद है नहीं अभी, लेकिन उन्होंने वो जो क्लैरिफिकेशन आपके कंफर्म कर दिया, तो आप लोग ओबीसी से जो चल रहे, भुजबल साहब तो बहुत खुश हो जाएंगे. इम्पीरियल डेटा की कितनी मांग कितने दिनों से कर रहे हैं, उसके कारण जो डेटा आपने दिया नहीं, उसके कारण इस देश में महाराष्ट्र की मैं आपको विनती कराऊँ, 56,000 जो पंचायत में चुन के आए लोग, वो उनको बहुत दिक्कत हो गई. और इस देश के 9 लाख ओबीसी लोग जो पंचायत में चुन के आए हैं, वो दिक्कत में आ गए. तो अगर आप जो डेटा हम लोग मांग रहे थे, तो आपकी स्पीकर जो हमारी महिला यूपी से बोल रही थी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, लेकिन भूपेंद्र जी के भाषण में वो नहीं आया. तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है मन में कि द्विधा मनस्थिति होगी कि गवर्नमेंट कुछ सोच रहा है, बीजेपी कुछ सोच रही है. तो आप एक पूरा थोड़ा सा मेरा आई मीन इन माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया. तो अगर प्लीज़ आप वीरेंद्र जी बहुत सीरियस और मंत्री है, अगर क्लैरिफिकेशन दे दे तो हमारा और आपका दोनों का पैसा बच जाएगा, और ओबीसी का जो भी थोड़ा सा दिक्कत पंचायत रत आज में आ जाएगा, वो मामला ही खत्म हो जाएगा. सबकी भले भले है तो अच्छा हो जाएगा. सो दिस इज़ वन क्लियर क्लैरिफिकेशन आई वॉन्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सेकेंड, जो सब ने कहा वह मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी, अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे, और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रिक्वेस्ट किया था, आपने वो मान लिया, उसके लिए आपकी सबकी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं आभारी हूँ. और 50% का जो दिक्कत है वो हम सबको पता है, इंदिरा नाथ साहनी जजमेंट वाली, तो आप उसमें भी अगर जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले लिया और हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ अगर खड़े रहे, तो ये मामला जल्द से जल्द खत्म होगा. ये मेरी रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से लगेगी. अब काफ़ी क्लैरिफिकेशन इस सरकार से है. भूपेंद्र जी ने जो 3-4 चीज़ें बोली, टू बैड वो नहीं है, तो आमने सामने उनका क्लैरिफिकेशन हो जाता, बहुत अच्छा बोले. मैं तो पहली बार उनको देखी, क्योंकि वो तो राज्यसभा में थे, पहली बार लोकसभा में उनको सुनने का मौका मिला. उन्होंने एक चीज़ की कि क्रीमी लेयर का 2014 का उन्होंने उल्लेख किया. अभी 2014 क्रीमी लेयर, सर एज यू आर अवेयर दैट एवरी 3 ईयर्स देर इज़ अ रिव्यू. आई वॉन्टेड अ पॉइंटेड क्वेश्चन टू दिस गवर्नमेंट दैट एवरी 3 ईयर रिव्यू आपने किया है कि नहीं किया है, और किया है तो हमारे साथ आपने शेयर क्यों नहीं किया है. क्योंकि मेरे पढ़ने में आया था कि जो क्रीमी लेयर के रिकमेंडेशंस है, गणेश सिंह जी यहाँ है कि नहीं मुझे पता, हाँ है गणेश सिंह जी, शायद उस, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गणेश सिंह जी वो का एक जो ओबीसी की जी कमेटी थी, उसका रिकमेंडेशन शायद आप ही ने किया था, आप चेयरमैन थे उस कमेटी में, शायद हटाए गए कि हट गए मुझे पता नहीं क्या हुआ, दैट इज़ अ इंटरनल मैटर ऑफ द बीजेपी, वो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ था तो ऐसा पेपर में तो आया था. अभी सब चीज़ सही होती कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत वरिष्ठ नेता है वो पार्लियामेंट में. सो गणेश सिंह जी ने जो रिकमेंडेशन किया था क्रीमी लेयर का, उसका आगे क्या हुआ, और हटाया नहीं हटाया जो भी है वो आपका अंदर का मामला है, लेकिन ये ओबीसी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, जो इतना प्यार से बोल रहे थे भूपेंद्र जी ओबीसी के लिए, पीड़ित वंचित शोषित के लिए, तो इसका क्लैरिफिकेशन और क्रीमी लेयर का रिकमेंडेशन का भी क्या हुआ, और 3 साल जो रिव्यू करे, अभी 7 साल हो गए आपकी सरकार है, कितनी बार रिव्यू है, इफ़ यू कुड काइंडली सर गिव मी अ दिस. वो EWS की बात कर रहे थे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सजेशन, अच्छा है, हम सब ने सपोर्ट किया था. एक रितेश पांडे जी है यहाँ, उन्होंने भी कहा था, उनका ही एक सवाल है पार्लियामेंट में, वो जो EWS वाला है, और वो सवाल मैं टेबल कर सकती हूँ. उसमें ऐसे लिखा है सर कि EWS को दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, व्हाट दे आर गिविंग रिजर्वेशन, भूपेंद्र यादव जी मेंशन्ड अबाउट इट इन स्पीच,
तो इन दैट स्पीच ही सजेस्टेड दैट वी हैव डन वंडरफुल वर्क फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ दिस गवर्नमेंट विच आई कैन टेबल आई हैव दैट क्वेश्चन इट इज रितेश पांडे जी क्वेश्चन दैट आफ्टर गिविंग दैट रिजर्वेशन गवर्नमेंट इंडिया हैज नो क्लू वॉट आर द सोशल ऑडिट ऑफ दैट दे हैव नो क्लू सिमिलर क्वेश्चन अबाउट द ट्राइबल आउटकम सो नो सोशल ऑडिट हैज बीन डन द लेडी हु स्पोक फर्स्ट सेड that she will be sharing means which I'm presuming is the first speaker so BJP will give that imperial data to us so I am completely confused in this debate because I am getting very mixed signals the whole confusion has started in Maharashtra sir hamare tab ke mukhyamantri when he knew that 103 constitution will be an issue phir bhi Maharashtra sarkar ne kendra sarkar ko recommendation bola that is the first so us jhoot mein hum log phas gaye humne vishwas kar diya ki shayad unhone वहाँ भी उनकी सरकार यहाँ भी उनकी सरकार उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा सो महाराष्ट्र में 2018 में मराठा आरक्षण के लिए इन वन वॉइस वन वोट द रिकमेंडेशन वॉज सेंड बाय द देन लेड बीजेपी गवर्नमेंट विच वॉज स्ट्रक डाउन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मिसहैंडलिंग ऑफ दैट गवर्नमेंट विच इज अ फैक्ट दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस आफ्टर द रिकमेंडेशन मेड करेक्शन सजेस्टेड बाय ऑनरेबल उद्धव ठाकरे अजीत पवार एंड अशोक चव्हाण दिस इज द रियलिटी ऑफ टाउन टुडे So this change is only coming because of this intervention with the Prime Minister there. But it is again half-hearted because it will not complete it because this 50% issue will still be a big problem for us. So how are they going to address this? Another question which he talked about, which Bhupender ji ne bahut acha bol rahe the wo, he has made some other, he was talking about the intent. He says legislative intent. Intent to sabhi ka acha hai. Nobody is challenging anybody's intent here. And he said, two judges, Mr. Bhushan and Mr. Nazir, दो की बात कर रहे थे लेकिन दे वर थ्री ओवर प्रिवेल मेजोरिटी प्रिवेल्स राइट सर 303 प्रिवेल्स 101 ईयर सो हम भी कर रहे हैं नो द वे ही वॉज डिफेंडिंग हिज गवर्नमेंट बाई सेइंग टू जजेस सपोर्टेड अस टू जजेस अरे दो की है लेकिन तीन तो खिलाफ बोले ना उस तीन का कुछ बोले भी नहीं वो जजमेंट में एंड इट्स मेजोरिटी विंस वेदर यू लाइक इन और नॉट हम लोग कितना आपको सजेस्ट करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप कहाँ हमारी रिकमेंडेशन है 303 है तो मान लाना पड़ता है तो भूपेंद्र यादव जी कितना दो का बोले इंटेंट इंटेंट इज़ वेरी गुड सभी का तो इंटेंट अच्छा ही है ना लेकिन तीन जज ना बोले वो बोलना शायद भूल गए एंड मेजोरिटी विन्स अनफॉर्चुनेटली इन अ डेमोक्रेसी सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच गवर्नमेंट नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट एंड क्लेरिफाई नाउ धनगर और आदिवासियों के बारे में अगेन देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस गवर्नमेंट ओबीसी का तो किया ही किया दैट मेस दे हैव क्रिएटेड आफ्टर क्रिएटिंग दैट मेस सेम थिंग दे हैव डन विद धनगर सर इन धनगर एंड आदिवासी जो बोल रहे थे राउत जी वो भी बात सही है मुझे अभी भी इलेक्शन में याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे वो छः मंत्री आए थे पिछले साल उसके पहले भी आए थे और उसके बाद वो जो ग्रस्त 2014 में आए थे उन्होंने भाषण किया था और कहा था कि हमारी सरकार आएगी पहले कैबिनेट में धनगर समाज को हम आरक्षण दे देंगे और हमारी बहन है कि नहीं यहाँ मई थी नंदुरबार की जो बीजेपी से अभी चुन के आई है तभी एनसीपी में थी उन्होंने उसका विरोध किया था तो दिस इज अगेन लिटिल कंफ्यूजन सी आई एम सो कंफ्यूज्ड विद दिस यूटर्न सरकार सर आई एम वेरी कंफ्यूज सर बिकॉज इन देयर ओन पार्टी देर आर टू व्यूज Their chief minister is saying, who was the then chief minister, that in first cabinet, धनगर को आरक्षण दे देंगे उसके साथ हर हफ्ते एक कैबिनेट होती है पाँच साल का आप ही हिसाब करते मेरे तो इतना गणित नहीं आता सो हर साल में एक कैबिनेट हर हफ्ते में पाँच साल उनकी सरकार चली एक कैबिनेट भी धनगर आरक्षण नहीं हुआ और उनकी सरकार की ही एक महिला सांसद है बहुत अच्छी है सुशिक्षित है और उन्होंने कहा कि आदिवासी सो आदिवासी और हम लोग जो राउत जी ने कहा वो बात सही है हम दूसरे का कुछ नहीं चाहते हर एक का हक है तो अगर आदिवासी का लेके ना धनगर का देना चाहते हैं ना धनगर और ओबीसी का लेके मराठा हम कुछ नहीं ऐसे करना चाहते हर एक का हक देना माए बाप सरकार की जिम्मेदारी इसीलिए तो माए बाप सरकार कहते हैं तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट इस सरकार को है कि टू पॉइंटेड क्वेश्चंस कि इम्पिरिकल डेटा जो आपके आप ही के सांसद ने कहा है कि वो दे देंगे तो आप कब दे देंगे नहीं तो हमारे भुजबल साहब बहुत खुश हो जाएंगे बहुत दिन से रुके हुए हैं सरकार और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखा है कि ये डेटा दे दीजिए हमारी पूरी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो दिक्कत में आ गया है तो उस खत वो एक खत उसका जवाब आप दीजिए दूसरा ये जो केस हम हारे हैं उसके लिए हम आप हमारे साथ खड़े रहिए और जो भी है पाटीदार है
हरियाणा में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, बहुत सारे लोगों को जो रिजर्वेशन की जो मांग है, सबसे ज़्यादा अच्छे इस देश में कभी आंदोलन हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। एक कचरा भी नहीं वहाँ पड़ता था, सब ने देखा है वो मराठा समाज के जो आंदोलन चले, बहुत अच्छे करे, और किसी नेता के भाषण नहीं थे, कोई पॉलिटिकल नहीं था, हर इनके भी पार्टी के लोग उसमें जाते थे, पीछे खड़े रहते थे। इट वॉज नॉट अ पोलिटिकल मूवमेंट, इट वॉज अ सोशल मूवमेंट फॉर द राइट, फॉर द कॉज ऑफ वॉट दे नीडेड। इट इज नॉट अबाउट मी, बिकॉज आई हैपन टू बी इन वन ऑफ दोज कम्युनिटीज। इट इज नॉट फॉर माई चाइल्ड और माई ब्रदर अजीत पवार चाइल्ड, दिस इज फॉर एवरी चाइल्ड हु डिजर्व्स इट। एंड द लास्ट माइल वर्ड दैट ही वॉज यूजिंग, थैंक यू, दिस लास्ट माइल विच दिस गवर्नमेंट इज सो पेन्ड फॉर, आई वुड रिक्वेस्ट दिस लास्ट माइल एफर्ट्स दैट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग, कि आरक्षण में महाराष्ट्र सरकार को ये 50% गैप में मदद करे, और इतनी लास्ट माइल की इनको चिंता है। तो और दो चीज़ भी मांग लूँ, इतने दिन में बोलने का समय नहीं मिला, कि जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए वो लास्ट माइल के लिए वो भी थोड़े से कम दीजिए, थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी। लास्ट माइल की बात आप ही करते हैं, एंड वन लास्ट माइल इज ये क्वालिटी एजुकेशन। ये कोविड के कारण ये जो वैक्सीन वगैरह का भी चल रहा है ना, वो भी थोड़ा सा महाराष्ट्र भी आ गया, वो भी लास्ट माइल के लिए, वो एड में ज्यादा हो रहा है। सो दिस ऑल दिस लास्ट माइल थिंग्स, लास्ट माइल का जो ये सरकार कर रहे हैं, कंक्लूड विद द सब्जेक्ट। सो आई ओनली जस्ट रिक्वेस्टिंग सर, बिकॉज इट्स अ लास्ट माइल गवर्नमेंट, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन द लास्ट माइल, दे वॉन्ट टू रीच टू द लास्ट पर्सन। सो विथ फुल ह्यूमिलिटी आई एम रिक्वेस्टिंग देम, कि जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इनके लिए ये सरकार जो कोशिश कर रही है, तो महंगाई थोड़ी कम करे, जॉब्स में थोड़ा सा ध्यान दे, और हमारे आरक्षण में हमारे साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ अबव पॉलिटिक्स खड़े रहे, और थोड़ा सा उनको वहाँ से कोई मिसलीड जो कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और अशोक चव्हाण जी का जब ब्रीफिंग सुने, तो शायद हमारा ये सब जल्दी हल हो सकता है। थैंक यू सर। विथ योर काइंड परमिशन आई वुड लाइक टू स्पीक इन माई मदर टंग मराठी। आज या विधेयकावरती बोलत असताना अनेक लोकांची मतं ऐकलेली आहेत, आणि मी हा विचार करते की खरं ह्या बिलनी आपण काय साध्य केलं आहे। तर या बिलनी आज असं साध्य झालेलं आहे की राज्यांचे जे अधिकार होते, राज्यांची जी इच्छा होती की आपल्या राज्यामधल्या OBC आणि सोशो एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासची जी सूची आहे ती त्यांनी बनवावी आणि ती त्यांना मेंटेन करण्याचा अधिकार मिळावा, हे आज खरं या बिलचं हेतू हा ह्याच्यातून साध्य झालेला आहे। पण मी बघतीये तर बोलताना सगळे घुमून फिरून येत आहेत, ते आपले मराठा आरक्षणाच्या विषयावरतीच येत आहेत, आणि दुसरं कोणता विषय इथे मांडलेला मला दिसत नाही, आणि म्हणून मला आज इथे काही गोष्टी आपल्या सगळ्यांसमोर मांडायच्या आहेत। तर राज्यांना राज्याचे अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय का आज घेण्यात आला, कारण जे विरोधी पक्षात आज आहेत, म्हणजे पर्यायनी राज्यात ज्यांचं सरकार आहे, त्यांची ही मागणी होती की 2018 कायद्यानंतर केंद्राने सगळे अधिकार आपल्याकडे ठेवलेत, ही धास्ती तुम्हाला वाटत होती, मग केंद्राने आपल्याकडे अधिकार ठेवू नयेत आणि ते राज्यांचे अधिकार राज्याला द्यावे म्हणून जेव्हा तुम्ही मागणी केली, आज त्या मागणीच्या दृष्टीने पाऊल सरकारने उचललेलं आहे। आणि मग हे लोकशाहीचा हा सन्मान नाही आहे का? तुमची मागणी होती विकेंद्रीकरण व्हावं, ठीक आहे, विकेंद्रीकरण झालेलं आहे, तुमच्या राज्याची सूची बनवण्याचे अधिकार तुम्हाला मिळालेले आहे। मग या सूचीमध्ये जेव्हा आपण सगळ्या जाती समूहाचा विचार करतोय, तेव्हा वारंवार चर्चा ही मराठा आरक्षणावरतीच का घुमून फिरून येते? आणि ज्या लोकांना आज या मराठा आरक्षणाविषयीचा प्रचंड कळवळा मला जाणवताना दिसतोय, ज्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं आणि आमच्या मित्रपक्षांचं सरकार होतं, त्यावेळी राज्य सरकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर मांडली आणि हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध आहे असं ठरवलं, त्यावेळी कोणाला त्रास झाला नाही? आज जे विरोधात आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या त्यावेळच्या भूमिकेविषयी प्रश्न मांडतायत, त्या विरोधकांनी कडाडून विरोध केला, टीका केली असं माझ्या स्मरणात नाही। किंवा आज जे केंद्र सरकारवरती ताशेरे ओढतायत की केंद्राने सुप्रीम कोर्टामध्ये उगाच दाखल करायचं म्हणून पिटिशन केलं, मग ह्या केंद्र सरकारच्या जेव्हा तुम्ही NDA भाग होतात त्यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती भारतीय जनता पार्टीची भूमिका केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार म्हणून चांगली नाही, म्हणून आम्ही NDA बाहेर पडतो असं म्हटल्याचं तुम्हाला कधी कोणी आठवत नाही? त्यावेळी आपला हा कळवळा कुठे गेला होता? हा जरा प्रश्न मला आज या माध्यमातून पडल्याशिवाय राहत नाही, आणि म्हणून मी तो प्रश्न विचारणार पण। या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती काय अधोरेखित झालंय? केंद्र सरकारला OBCचा निश्चितच कळवळा आहे, आणि हे केवळ आजच्या एका बिलावरून सिद्ध होतं असं नाही, तर OBCच्या कमिशनला घटनात्मक दर्जा मिळवण्याची गोष्ट असेल, 10% सवर्णांना आरक्षण मिळण्याचा विषय असेल,
किंवा 27% ओबीसींना मेडिकलच्या ॲडमिशनमध्ये रिझर्वेशनचा विषय असेल, किंवा आज मंत्रिमंडळात सामील झालेले अनेक ओबीसी चेहरे असतील, केंद्र सरकारने आपली भूमिका ही नेहमी ठामपणे मांडली आहे, पावलं उचलली आहेत, फक्त भाषणं केलेली नाही आहे. त्यामुळे आज मराठा आरक्षणाविषयी तळमळ ही खरंच मराठा समाजाच्या त्या अन्याय झालेल्या युवकाविषयी, त्याच्या शिक्षणाविषयी, त्याच्या नोकरीतल्या आरक्षणाविषयीची ही खरी तळमळ आहे का? का कुठेतरी आपली असणारी अधिकाराची वोट बँक आपल्या हातातून निघून जाईल, आणि देव ना करो जर आरक्षणाचा प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही तर त्याचं खापर आपल्या डोक्यावर फुटेल की काय, या भीतीने तर आज हा कळवळ येत नाही आहे ना. हा प्रश्न मी आज या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांसमोर निश्चित उपस्थित करू इच्छिते. आणि सगळे मराठा आरक्षणाविषयी बोलतायत, आमचे नेते मुंडे साहेबांचंही मराठा आरक्षणाला निश्चितच समर्थन होतं, परंतु ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता. आज या माध्यमातून जे विधेयक आहे त्याच्याविषयी बोलूया. विधेयक आहे ते ओबीसींविषयी आहे. ज्या लोकांना आज इथे काही ठराविक समाजाचा, ठराविक समूहाचा कळवळा येतोय, त्यांना ओबीसीशी काहीच देणं घेणं नाही आहे का? ओबीसींना फक्त आपण आपली वोट बँक म्हणूनच ट्रीट करणार आहोत का? 50% सिलिंग आपण काढण्यासाठी जे पक्ष आज इथे मागणी करत आहेत, त्यांना मला हे विचारायचं आहे की 50% सिलिंग काढणं हा तर पुढचा मुद्दा आहे. ओबीसींना जे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आम्हाला जे राजकीय आरक्षण होतं ते 27% मर्यादा त्यांनी ओलांडलेली आहे असं राज्य सरकारने स्वतः कोर्टासमोर कबूल केलं, तेव्हा आमचं अधिकाराचं 27% आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार आहे? तुम्ही एकाच ठराविक जातीचे किंवा समुदायासाठी सरकार चालवताय का? ओबीसींशी तुमचं काहीच देणं घेणं नाही आहे का? हा तळमळ, ही तळमळ आणि हा कळवळा जर मला वाटतं तुम्ही ओबीसींच्या बाबतीत होणाऱ्या अन्यायाविषयी उठवलात, तर निश्चितच तुमचं खरं प्रेम हे समाजातल्या वंचित आणि शोषित लोकांविषयी आहे हे सिद्ध होईल. केंद्र सरकारने आपलं प्रेम वारंवार सिद्ध केले, अनेक लोककल्याणकारी योजना केलेल्या आहेत, आणि अमुक एका समूहाला नाही तर सर्वांना घेऊन सोबत जात आहेत. 10% सवर्णांचा उल्लेख सुद्धा मी यासाठीच केला की एका जातीला, एका समूहाला प्रोत्साहन देणं ही केंद्र सरकारची भूमिका नाही, खरोखरीच सर्वांना एकत्र घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशील असणारं हे सरकार आहे.